हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विद देव। स्टडी विद देव यूट्यूब चैनल पर मैं देवेंद्र आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आपने अभी तक स्टडी विद देव यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन बटन ऑन कर लीजिए, क्योंकि आज आप सभी के लिए मैं बहुत बड़ी खुशखबरी लेकर आया हूँ जो आरपीएमसी के रिजल्ट से जुड़ी हुई है। आरपीएमसी का जो रिजल्ट है वो आरपीएमसी ने बड़े दुखों के बाद रिजल्ट जारी कर दिया है, तो आप सभी रिजल्ट देखने के लिए तरस रहे होंगे। तो देख लो आपका रिजल्ट, आपको कौन सा कॉलेज मिला है। बड़ी मेहनत के बाद रिजल्ट आया है, कितने दिनों बाद, लगभग 6 से 7 महीनों बाद आपका रिजल्ट डिक्लेयर किया है आरपीएमसी ने। तो आरपीएमसी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जैसे आप आते हो, ऑफिशियल वेबसाइट पर आने के बाद आपको थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करना है। स्क्रॉल डाउन करने के बाद जैसे आप जाते हो नोटिफिकेशन वाले सेक्शन पर, या फिर जो स्टूडेंट हेल्प वाला जो पोर्टल है या सेक्शन है, उस पर जाने के बाद आपको नजर आएगा यहाँ पे गाइडलाइन फर्स्ट काउंसलिंग एडमिशन 2020-21 फर्स्ट काउंसलिंग इन्फॉर्मेशन, और उसके नीचे थर्ड लाइन नजर आएगी आपको फर्स्ट काउंसलिंग अलॉटमेंट लेटर 2020-21। ठीक है, इस पर आपको करना है क्लिक। जैसे आप इस पर क्लिक करते हो, क्लिक करने के बाद आपके सामने क्या खुलकर आता है देखते हैं। नया पेज खुलेगा, यहाँ आपको क्या चीज डालनी है, यहाँ आपको डालना है आपका अलॉटमेंट जो एप्लीकेशन नंबर है वो डाल देना है। तो आपके एप्लीकेशन नंबर किस प्रकार से RCA, इस प्रकार आपके एप्लीकेशन नंबर जो रहने वाले हैं मैं दिखा देता हूँ। ठीक है, ये एप्लीकेशन नंबर है। इसके बाद आपको क्या चीज डालनी है, यहाँ डालनी है आपको डेट ऑफ बर्थ। तो डेट ऑफ बर्थ आपको सेलेक्ट करनी है, जो आपकी डेट ऑफ बर्थ हो वो डेट ऑफ बर्थ आपको सेलेक्ट कर लेनी है। सेलेक्ट करने के बाद आपको कर देना है सबमिट। जैसे आप सबमिट करोगे आपके सामने अपना अलॉटमेंट लेटर आउट हो जाएगा। आप देख सकते हो आपका कौन सा कॉलेज मिला है, कौन सा नहीं। आप कैप्चा डालना है, कैप्चा क्या रहने वाले हैं, तो कैप्चा इस प्रकार आपके रहेंगे। देख सकते हो आप कैप्चा आपको हर बार अलग अलग नजर आएंगे। तो कैप्चा वगैरह सबमिट करने के बाद अभी इसमें ये एरर बता दिया किस चीज़ का, कि आईडी एंड पासवर्ड गलत। तो एक मिनट दोबारा सही चेक कर लेते हैं। आईडी सही है लेकिन डेट ऑफ बर्थ भी सही है, तो इसमें क्या एरर आ रहा है, एंटर इनकरेक्ट एप्लीकेशन आईडी एंड डेट ऑफ बर्थ। तो इनकरेक्ट डेट ऑफ बर्थ बता रहा है, एक मिनट। आर पी सी, ठीक है अब सही है। दोबारा कैप्चा फिलअप करते हैं। कौन सा, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना आपको कौन सा कॉलेज मिला, गवर्नमेंट मिला या प्राइवेट मिला, ये भी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना। तो ये देख सकते हो अलॉटमेंट लेटर आपका आ चुका है, यहाँ नजर आ रहा होगा आपको अलॉटमेंट लेटर, प्रोविजनल अलॉटमेंट लेटर आप ही के सामने डाउनलोड करके मैंने दिखाया इस कैंडिडेट को जो कॉलेज मिला है वो कौन सा मिला है। तो यहाँ देख सकते हो सरदार पटेल मेडिकल कॉलेज नागनेची रोड बीकानेर, और कौन सा कोर्सेज में एडमिशन मिला है। तो कोर्सेज के बारे में आपको बता देता हूँ, तो डिप्लोमा इन ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी, यानी कि ओटी का जो टेक्नोलॉजी वाला डिप्लोमा है उसका कोर्स है जिनको मिला हुआ है। अब अपन बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की आपको जरूरत पड़ने वाली है, क्या क्या चीज आपके पास होने चाहिए, और कब तक आपको कॉलेज में जाकर अपडेट देना होगा। तो 6 अक्टूबर तक आपको वहां जाकर अपडेट देना होगा। हेलो बच्चों, अगर आपको इंग्लिश बोलने में हिचकिचाहट होती है, अपने इंग्लिश इंटरव्यू की तैयारी करनी है और फर्राटेदार अंग्रेजी बोलना चाहते हो, तो आप सबके लिए एक गुड न्यूज, डाउटनेट ऐप लाए हैं आप सबके लिए इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स, जहां इंग्लिश के टॉप टीचर्स आपको एकदम बेसिक से इंग्लिश बोलना सिखाएंगे, वो भी हिंदी भाषा में। यानी अब आप हमें से हर बच्चा अंग्रेजी बोल सकता है, और साथ ही इस कोर्स के अंत में आप सबको सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा। तो अभी जाइए और डाउटनेट ऐप पर यह कोर्स खरीदिए और अपने अंग्रेजी बोलने के सपने को पूरा कीजिए। पूरे भारत में सबसे बढ़िया दाम और इतना टॉप क्वालिटी का कोर्स सिर्फ डाउटनेट पर मिलेगा। कोर्स का लिंक डिस्क्रिप्शन में। 6 अक्टूबर तक आपको रिपोर्टिंग करनी होगी कॉलेज में जाके, तो आप सभी अपने डॉक्यूमेंट्स रेडी कर लेना। मैं सभी को बता दूंगा कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए, नेक्स्ट वीडियो का वेट जरूर करें। धन्यवाद।